from our domain. I also request Dr. Choksi to extend welcome to Dr. Gaur. Gaur sahab, dhanyawad, swagat hai aapka hamare platform mein. Gaur sahab ki ek khubi hai ki bade hi sahaj aur bade hi saral humse jud jate hain, sare logon se jud jate hain. और मध्य प्रदेश में शायद गौर साहब का ज़्यादा पॉपुलर हैं और ज़्यादा फैमिलियर हैं आई थिंक सो. गौर साहब पहले आईटीएम ग्वालियर में गौर साहब से पहली मेरी मुलाकात हुई, जिसमें मैंने देखा कि वे बड़े सहज एंड सरल तरीके से वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का कुछ सिलेबस बनाया जाना था उसके लिए वो उनसे मुलाकात हुई थी. उस ड्यूरेशन में काफ़ी उनसे सीखने भी मिला, जानने भी मिला उनके बारे में. और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गौर साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि जो इस प्लेटफॉर्म में आके हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में उद्बोधित करेंगे. और मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो हिंदी भाषा में कुछ उपयोग कर पाए तो ज़्यादा हमारे पार्टिसिपेंट को सुविधा होगी. धन्यवाद गौर साहब, वेलकम वेलकम इन द प्लेटफॉर्म. ओके, प्लेटफॉर्म इज योर्स. सर धन्यवाद डॉक्टर चौकसी. आप लोग मुझे सुन सकते हैं? यस सर. तो जैसा कि आपने रिक्वेस्ट की है कि अगर मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारा मेरा पीपीटी तो इंग्लिश में ही है, लेकिन मैं उसको हिंदी में प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, तो वो एक मिक्स हो सकता है. जहां जरूरत होगी आई विल ट्राई टू मिक्स इट अप. ठीक है, धन्यवाद. तो अभी मैं एक मिनट में अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं, उसके बाद फिर मैं देन आई विल स्टार्ट इट. जस्ट गिव मी वन मिनट. ओके. और सर आप पार्टिसिपेंट एनोटेशन भी बंद कर दीजिएगा. शेयर स्क्रीन के साथ में एक मोर बटन है, उस पर क्लिक करके और डिसेबल एनोटेशन फ्रॉम अदर्स. वो थ्री डॉट्स वाला एक मोर बटन होगा शेयर के साथ में. व्हाट शुड आई डू? आई विल से एनोटेटेड नो. हाँ, एनोटेशंस डिसेबल एनोटेशन फ्रॉम अदर्स या डिसेबल पार्टिसिपेंट एनोटेशंस ऐसे करके एक ऑप्शन आ रहा होगा आपके बोर्ड में. वो कर दीजिए. यस, आई हैव डन इट. थैंक यू सो मच. सो थैंक यू डॉक्टर चौकसी. पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आपने इतना एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, और मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो उसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ऑलमोस्ट लाइब्रेरी की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं सभी का आपने बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक मोहित हु इज हेल्पिंग मैनी लाइब्रेरीज एंड लाइब्रेरियंस थ्रू हिज इनिशिएटिव. लाइक मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी कम्युनिटी नो मोहित वेरी वेल नाउ, एंड हिज टीम भावना एंड ऑल दोज थिंग्स. तो बेसिकली द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू स्पीक द फर्स्ट इज द how in this pandemic libraries should prepare themselves and how they should provide various kind of facilities and services. I will also try to give them some idea how important it is to prepare themselves for dealing with this kind of situation. As we all know that this pandemic, which is almost a year now, has been giving us all teething troubles and also all kind of challenges, both professionally as well as individually. Nobody knows about this kind of situation before it. Suddenly, in last March, when our Prime Minister announced lockdown, and suddenly all the institutions, school, colleges, university, everything was closed.
And when there was a lockdown, there was no way to physically access the libraries or all kind of resources. So when there was no possibility of going physically to the library, internet would become the only source. So how libraries were prepared that time and even now? So let me just give you some kind of challenges. Not just higher education institution, if you talk about school libraries or college libraries, all kind of these libraries are not very well prepared for this kind of situation. Remote access, digital resources, all these technologies were not in place. And during this lockdown, the most important challenge is to how to serve the users remotely. So what you need anywhere, anytime access to the library resources. And that is only possible when you have resources available digitally. We also need to know how to work remotely. Ghar se baith ke, jo bhi Zoom hai ya jo bhi technologies hai, aaj hum log istemal kar rahe hain. I have been using these technologies last 10 years. Because I have been part of many international committees and programs. So I used to have meetings, international meeting on Skype or in Zoom or on BevEx, on GoToMeeting. So I was using from last 10 years, but many of our colleagues, bahut sare log chahe humare librarians ho ya users ho, unko in technologies ke bare mein zyada jankari thi hi nahi. So suddenly working from home remotely, providing services remotely, all these become very challenges. Ab un challenges ko kaise meet out karna tha, hum logon ko jankari nahi thi. Lekin agar hum agar ek saal ka apna journey dekhen, to I'm so glad ki now most of our librarians are very much familiar with these technologies. Most of our users are now familiar with the technology. Forget about professionals, even a school going kid who is just in the class one or two, he is aware of these kind of technologies. Aur ye sab kehte hain na, kai baar koi musibat jab aati hai to saath mein kuch uske advantages bhi hote hain, kuch disadvantages hote hain. To isme ek advantage jo nikal ke aaya is covid mein ki hum sab logon ko चाहे फोर्सफुली या कंपल्सन कहिए कि वी स्टार्ट लर्निंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज. डेफिनेटली देर आर चैलेंजेस लाइक यू हैव टू वियर द मास्क, यू हैव टू थिंक ऑफ सैनिटाइजेशन, यू हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. क्योंकि चैलेंजेस इज स्टिल नॉट ओवर, वी आर स्टिल इन द सिचुएशन. वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि किसी भी कंट्री में अभी ये मान लेना कि कोरोना केसेस कम हो गए इसलिए जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी भूल होगी, बहुत बड़ी गलती होगी. क्योंकि इट कैन रिटर्न एनी टाइम. इसको फैलने में कोई टाइम नहीं लगता. और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे आप यूएस का एग्जांपल लें या और भी कंट्रीज का एग्जांपल लें, जहां पर ये बहुत बार वापस आया है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड वी हैव बीन ओपनिंग सम स्कूल्स आर ओपनिंग, सम यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग, some students are opening. Like we are a government organization, we have been working since April onwards. But many of the education institutes who are still not open, they have to understand ki libraries are the backbone of any education. Libraries are considered heart of an academic institution. And without libraries, no teaching, no learning, no research is possible. तो इसमें जो हम टीचिंग और लर्निंग और रिसर्च की बात करते हैं, तो ये जो भी टीचर्स हैं उनको भी रिसोर्सेज चाहिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिसोर्सेज चाहिए, टीचर्स को लेक्चर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पेपर लिखने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए. इसी तरीके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सारी रिसोर्सेज चाहिए. क्लास अटेंड करने के बाद टीचर्स कैन टेक ऑनलाइन क्लासेस,
बट आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस दे नीड सर्टेन मटेरियल, उनको कुछ मटेरियल चाहिए जो सप्लीमेंट्री रीडिंग है, सजेस्टेड रीडिंग है, रिकमेंडेड रीडिंग है, उन सबको पूरा करने के लिए दे नीड टू हैव दिस काइंड ऑफ लाइब्रेरी सपोर्ट. और ये सारी जो भी लिटरेचर है वो लाइब्रेरी के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, तो ये सारा लिटरेचर गैदर करने के लिए उनको लाइब्रेरी आना ही पड़ता है. जब लाइब्रेरी बंद है तो फिर कहाँ से इंफॉर्मेशन आए, तो वो एक बड़ा चैलेंज जो हमारे सामने था और अभी भी है, उसको कैसे मीट आउट करना है. उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है, उनको गाइड करना है बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में. दूसरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बी मे बी ड्यूरिंग दिस करोना और बी मे नॉट बी ड्यूरिंग दिस करोना, वन थिंग यू शुड रिमेम्बर एज ए लाइब्रेरियन, आप लोग समझिए हमारे जो यूजर्स हैं उनके बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं. अब यूजर बहुत ही एक टेक्नोलॉजी सेवी यूजर है, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास बहुतों के पास लैपटॉप है, बहुतों के पास डेस्कटॉप है, तो वो टेक्नोलॉजी सेवी है, उसको पता है कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकता है. एंड नाउ इन दिस चेंज सिनेरियो यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूजर बिहेवियर, यू हैव टू अंडरस्टैंड यूजर नीड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रायोरिटीज, तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि यूजर इज चेंजिंग. But one thing is not changing and one thing will never change. Libraries are going to be the backbone or most important support for the users, for the students or faculty. Because they still feel that books, journals and other reading authenticated peer review reading material is still the best for their learning, research and teaching. They want Google-like search, but they don't want Google search because Google is having a lot of issues in searching. I will tell you later. They want information at very high speed and as per their convenience, like they want at their doorsteps, they want in their offices or their cabins. They want, beside this discovery process, they also need to want not just discovery, they want delivery also, like from searching to delivering the final product, full text material, they want. They also want, you should provide them enhanced content and also to assist them in evaluating resources for its authenticity and relevance. Everything available digitally is not authenticated. Everything available on internet is not relevant to my research or your research. So you have to help them in evaluation of those resources through information literacy or, and most importantly, those millennials or screenagers, the young library users, they need help to deal with the information inadequacy and anxiety because of the information overload. Like there's so much information is available, they don't know what is good for them, what is authenticated, what is relevant to them. So here comes the role of a librarian as a knowledge navigator, as an important resource evaluator, because that is your domain expertise. So please understand, this is your changing role. In this changing role, it is important for you to understand that your job is not now to provide them books and articles, journals or other resource material. They know how to get a book issued. They know how to get article download. They know how to get a material, get it from loaned from the library. They want something else from you. They want how you help them in personalized information search, in resource discovery. So here you have to change your role. You have to understand that you are now a information expert, and you have to develop as an information expert in this area. And always, as a librarian, one thing you always keep it in mind, user convenience first. Your jobs are because of them only. Users are there, that's why libraries are there. If there are no users, there are no libraries. So you have to see their convenience and you have to provide them, you have to engage them where they live and learn.
If they want their information at their offices, then you have to provide them. If they want their information in their homes, you have to do it. If they want, if they are persons with disabilities, you have to help them. You have to provide them material with a barrier-free access. So you have to understand that user convenience is very, very important for you. If you are not familiar with user convenience, see, now this is a challenge, another challenge for you. Now, they have many, earlier there was, see, in good old days, there were libraries where material was available and it was available in print. So users have to come to the library. That was a compulsion. Without coming to the library, you cannot get any books or article or any kind of information. But now things have changed. They have options. They have internet, which is a vast information resource, which contains a lot of information. So it is not compulsion for them to come to the library. Earlier, they need libraries. But now, as a librarian, you need them. So you have to understand that your survival, your jobs, your position, your library's future depend upon how best you can serve them according to their convenience. That's the second challenge for you to learn. As a professional, you have to become a versatile person. You should not restrict your job just in acquisition and purchase of material and issue return them and classification and cataloging. You have to prepare yourself beyond this particular job role. So now in this pandemic situation, some additional work is there. आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज जो libraries अगर आप physically open करेंगे, तो आपको बहुत सारे guidelines follow करने होंगे. आपने guidelines बनाने होंगे. अपने users को बताना होगा कि उनको mask लगा के ही entry मिलेगी. उनको social distancing maintain करनी होगी. आपको अपने reading spaces को redesign करना होगा. आपने अपने इश्यू रिटर्न सिस्टम में चेंजेस लाने होंगे. आपने ये भी देखना होगा कि एक एक टाइम में कितने लाइब्रेरी यूजर्स आ सकें. आपने अपने बहुत सारे जो थर्मल टेम्परेचर रिकॉर्डर के का इस्तेमाल करना होगा. तो ये जितने भी COVID-19 की गाइडलाइंस हैं, उन सबको आपने फॉलो करना होगा. उसके लिए इंस्ट्रक्शंस बनानी होंगी. उसके लिए आपको अपने यूजर्स को समझाना होगा. अपने स्टाफ को ट्रेन करना होगा. आपको बताना होगा कि जो किताबें रिटर्न होती हैं उनको कैसे सैनिटाइज करना है. कितने ड्यूरेशन तक, जनरली जनरल ट्रेंड इज 72 आवर्स. यू शुड कीप द बुक्स 72 आवर्स आफ्टर रिटर्न बिफोर सेल्विंग एंड देन यू शुड सेल्व इट. और उसके अलावा आपको अगर बहुत सारे थर्मोस्टेट और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स मिलते हैं सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, वो बहुत सब चीज़ें भी आपको सोचनी पड़ेंगी, मंगानी पड़ेंगी, डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज. तो आपको एक प्रिपेयरनेस करनी पड़ेगी कि हाउ टू, एंड दिस प्रिपेयरनेस इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट आई एम श्योर फॉर अनदर ईयर. यू हैव टू मेंटेन दिस अंटिल अनलेस दिस कोरोना इज फुली इरेडिकेटेड फ्रॉम अवर लाइफ. टिल इवन वन पेशेंट इज देयर, we have to be alert. We have to maintain this all COVID protocols. तो ये librarians के लिए एक नई चीज़ है, एक नया challenge है. और इसके लिए आपको ये सारी guidelines जो मैंने अपनी screen पे दिखाई हैं, आपको सब ये follow करनी होगी. Now another important thing is that कि along with those guidelines, you have to think of preparing yourself with latest tools and technologies. You have to really think of a modern library, which, and there are a lot of things which you need to redesign, redevelop in your library. You have to give focus on new content development management softwares. You have to think of more and more digital collection in acquisition. You have to promote open access initiatives. You have to think of providing anywhere, anytime access. You have to think of various kind of discovery services. You have to think of various kind of virtual reference services. You have to think of use of social media technologies. You have to think of new things like research data management in libraries.
you have to think of various kind of online learning tools and technologies. You have to think of MOOC and Moodle. You have to think of having a good interactive website. You have to think of various kind of assistive technologies to help the persons with disabilities. तो आपको इस नए दौर में, नए टाइम में बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना होगा, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, आपको यूजर की कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी रिसोर्सेज को तैयार होना होगा। एक चीज दिमाग में रखिए, खाली जो आप किताबें खरीद रहे हैं या बुक्स, ई बुक्स ले रहे हैं, ई जर्नल से, वही आपकी लाइब्रेरी रिसोर्सेज नहीं है। अब द सिस्टम हैज चेंज्ड because there is a vast amount of information available on internet which is free, which is under open access. So those resources are also part of your library collections. So you have to guide your people, your users, how to use those resources. And then accordingly, you have to go for various kind of policies for all these, for subscribed contents or for digitization or also for using other technologies. And now if you see, there is a lot of focus on MOOC and Moodles, open educational resources. Librarians play a very important role in that. I keep on talking on this open educational resources. मैं इसमें एक मैंने हर जब भी मैं कहीं पर मेरे बहुत सारे टॉक्स आपको एज ए चीफ गेस्ट और कई प्रोग्राम्स में मूक और मूडल में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है। लाइब्रेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, चाहे वो मूक सिस्टम हो या मूडल हो, क्योंकि एक ऑथर कैन क्रिएट ए रिसोर्स, बट टू प्रमोट इट, टू डिजिटली आर्काइव इट, टू मेक इट एक्सेसिबल टू द पीपल, this is a job of the libraries, this is a job of the librarians. So whenever I talk in the universities and other platforms, I always say ke jo stakeholders hain, faculty is one, librarian is the another, computer science person who is managing the IT resources, the third one. These are the three important stakeholders in this online open educational resources. So library has to understand एंड अब आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये सारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो स्वयं प्रवाह हो, साक्षत हो, जितनी भी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी होगी। आपने एक अलग से इसका एक पेज बनाना पड़ेगा अपनी लाइब्रेरी वेबसाइट पर, जहां पर आपको सारे लिंक प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी फैकल्टी कोई कोर्स तैयार करना चाहती है, मूक डेवलप करना चाहती है, कोई ऑनलाइन कोर्सेज करना चाहती है, उसके बारे में सारी जानकारी आपको उनको देनी होगी, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंसेस के बारे में आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, किस तरीके से अगर हम कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं उसको सीसी लाइसेंस में किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी सारी जानकारी आपने अपने फैकल्टी को या अपने जो ऑथर्स हैं, और आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। एज ए लाइब्रेरियन यू कैन ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। So that is another important role. Definitely you need to learn all these tools, Zoom, Google Meet, WebEx, Skype for Business, GoToWebinar, Microsoft Teams, JoinMe, so many. These are very easy. I have been using these tools from last 10 years. I think each and every tool I have used before this pandemic. And it is very easy to learn. कुछ नहीं है इनमें, मतलब बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए आपको, बहुत आसान है सब यूज करना। उसके साथ साथ आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि दिस ओपन एक्सेस इज लाइब्रेरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ओपन एक्सेस। सी, नो पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन सब्सक्राइब ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय योर यूजर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू कैनॉट सब्सक्राइब ऑल द रिसोर्सेज बट योर यूजर वॉन्ट्स मेनी मेनी रिसोर्सेज विच आर नॉट पार्ट ऑफ योर लाइब्रेरी कलेक्शंस। So how to get it arranged? How to provide to your users? So internet is the one opportunity. Apart from the other libraries, you were using the old system of interlibrary lending. But interlibrary lending also have certain limitation because physically you have to request them. But in this pandemic kind of situation, you cannot do it. So internet is one thing which is very, very important for you. So इसमें आपको एक बहुत important role play करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आई एडवाइज यू
in coordination with your authorities, you should propose an open access policy for your library, for your university or college or institution. And under that open access policy, library should become a focal point. अगर कोई फैकल्टी किसी ओपन एक्सेस जर्नल में आर्टिकल कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस देने, एक अच्छा आर्टिकल किस कौन सा अच्छा जर्नल है ओपन एक्सेस में, उसकी गाइडेंस देनी है, उसके अलावा उसको प्रमोट करना है ओपन एक्सेस को, उसकी एक रिपोजिटरी बनानी है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनानी है, ये सारे काम ओपन एक्सेस इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी जिसको हम ग्रीन ओपन एक्सेस बोलते हैं, वो लाइब्रेरी नहीं कर सकता है। तो ये इतना बड़ा काम है कि इसके लिए हम लोग शायद इसको इग्नोर करते हैं। हमारा फोकस ज्यादातर जो लाइब्रेरी में किताबें खरीदना, जर्नल सब्सक्राइब करना, डेटाबेस सब्सक्राइब करना, हमारा रोल वहीं तक रह जाता है। हम ओपन एक्सेस को एक्सप्लोइट ही नहीं करते, हम उनको एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो मेरा सजेशन है आपसे कि इन दिस पैंडमिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इवन आफ्टर द पैंडमिक ऑलवेज ऑल द टाइम ओपन एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू शुड बिकम ए फोकस्ड सेंटर ऑन द ओपन एक्सेस रिसोर्सेज हों, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट समझना पड़ेगा कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और ओपन एक्सेस रिसोर्सेज क्या होती है। जनरली मैं तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता हूँ जब भी मैं कई बार मैं इंटरव्यूज में सिलेक्शन कमेटी में ये क्वेश्चन लोगों से लाइब्रेरियन से पूछता हूँ, सो दे डोंट अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज एंड ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क इन बोथ द एरियाज। आपने ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी काम करना है, अपने ओपन एक्सेस रिसोर्सेज पर भी काम करना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से। देखिए, एक तो ओपन एक्सेस रिसोर्स क्रिएट करने में आपका रोल हो सकता है। अभी आजकल हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। कई बार इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी एक बज़वर्ड शुरू हो जाता है और लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इन द रियल सेंस देयर इज नो प्लान लाइक कॉल्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अभी तक तो मैंने किसी से नहीं पता किया, इवन दोज़ हु आर द प्रमोटर ऑफ दिस आइडिया, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी कॉन्क्रीट प्लान फॉर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एंड दैट आई फील इज नॉट समथिंग वर्केबल प्लान। देखिए, हमें जो सोचना है, अगर हमें ओपन एक्सेस को प्रमोट करना है, तो हमें सोचना होगा प्लान एस लाइक मॉडल। हमें राइट्स रिटेंशन के बारे में बात करनी होगी, हमें ओपन एक्सेस को प्रमोट करना होगा, शायद वो सबसे जरूरी है हमारे लिए। हमें अपनी फैकल्टी को इनकरेज करना होगा कि वो ओपन एक्सेस जर्नल्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। हमें ये भी उनको गाइड करना पड़ेगा कि कौन सा पेडेट्री जर्नल है, कौन सा क्वालिटी ओपन एक्सेस जर्नल है। हम उनको अपनी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनानी होगी। बहुत सारी जो मेंबरशिप अवेलेबल है, जैसे कि बायोमेड सेंट्रल की या उनकी ओपन एक्सेस मेंबरशिप अवेलेबल है, जिससे कि आपको डिस्काउंट मिलता है एपीसी चार्जेस में। तो आपको ये कोशिश करनी होगी कि ओपन एक्सेस के बारे में आपकी एक फोकस्ड पॉलिसी हो, एक प्लान हो, और यू शुड एबल टू प्रोवाइड एक्सेस टू द मैक्सिमम ओपन एक्सेस रिसोर्सेज इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। तो दिस इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लाइब्रेरियंस टू अंडरस्टैंड कि यू हैव बिग रोल टू प्ले इन दिस एरिया। यू आर ए librarian is the person who is involved, is a very important stakeholder in the creation of open access resources, in the archiving of the open access resources, in the promotion of the open access resources, into the access of the open access resources. You are the one and only person. Librarian is the one and only person who is so important in this open access initiative. Please understand your role, and you can be the most demanded person in your institution and organization if you focus on that. अब ओपन एक्सेस चाहे वो सोशल साइंसेज में हो या साइंसेज में हो या ह्यूमैनिटीज में हो, हर एक में इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारा जो कल्चरल ओपन डेटा है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उसको हमने प्रमोट किया भी नहीं है। तो अगर आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, आपके पास फोटोग्राफ्स हैं, आपके पास बहुत सारी जो लाइब्रेरी म्यूजियम आर्काइव्स की रिसोर्सेज हैं, आप उनको डिजिटाइज करिए। वो कॉपीराइट में नहीं है, ये बहुत बड़ा रिसोर्स बेस है रिसर्चर के लिए। तो आपको समझने की जरूरत है कि यू शुड फोकस ऑन दिस रिसोर्स एंड गेट इट डिजिटाइज एंड क्रिएट योर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। डी स्पेस आपके पास है और भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, जिससे कि आप छोटी छोटी रिपोजिटरी, देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपके पास अगर छोटा सा भी मटीरियल है, उसको भी डिजिटाइज करके अगर आप लोगों को इंटरनेट पर प्रोवाइड करेंगे, तो वो भी वैल्यूएबल रिसोर्स रहेगा।
तो जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको डिजिटाइज करिए, उनकी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी बनाइए। इसके साथ साथ बहुत सारे बड़े इनिशिएटिव्स हैं, एनडीएलआई जो हमारा अपना खुद का इनिशिएटिव है, इट्स ए गुड हार्वेस्टर सिंगल विंडो सर्च प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एटलीस्ट आपका हर एक यूजर दे शुड नो अबाउट एनडीएलआई कैसे, इट्स ए फ्री रिसोर्स, तो आपको प्रमोट करना है एनडीएलआई को, आपको लोगों को बताना है कि ये किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसका ओरिएंटेशन देना है। उसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल आर्काइव्स हैं, इंटरनेट आर्काइव है, हाथी ट्रस्ट है, खान अकेडमी, ग्लोबल डिजिटल लाइब्रेरी, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी, और देयर सो मेनी फ्री ओपन सोर्स ओपन लाइब्रेरी सिस्टम। पहले तो आपको जानना है इनके बारे में, और उसके बाद फिर अपने यूजर को बताना है कि ये चीजें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आई हैव वर्कड इन JNU फॉर 7 years, बट स्टिल आफ्टर लीविंग JNU आई स्टिल कनेक्टेड विद मेनी फैकल्टी मेंबर्स। तो जी पैंडेमिक के दौरान एक प्रोफेसर फ्रेंच के थे, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि आई नीड दिस बुक वेरी बैडली, दे कुड हैव कॉन्टेक्टेड द करंट लाइब्रेरी स्टाफ ऑफ JNU, बट दे हैव मोर फेथ इन मी, सो दैट्स व्हाई दे ही कॉन्टेक्टेड मी। तो आई एबल टू सर्च दैट पर्टिकुलर डिजिटल कॉपी अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर्काइव। इन इंटरनेट आर्काइव में देयर इज अ सिस्टम ऑफ लोनिंग, यू कैन लोन ए बुक फॉर 14 days। सो आई गाइडेड हिम अबाउट दिस बुक विद इन फ्यू आवर्स एंड ही वॉज सो हैप्पी। This is one example. There are plenty of such example I can give you. So basically, as a librarian, you should know about all those important digital archives and libraries which are available. These are the public library accessible to. तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी आप किसी user की help कर सकते हैं। और जब referencing की बात आती है, तो these tools are very helpful. So you should develop yourself and should understand all these resources. Now, internet is a huge resource. Internet is a very wide resource, but everything available on internet is not useful for you, not relevant for you, not authenticated. Many things are very harmful for the various group of users. So you should also know certain things about internet, and then you should educate your researcher, your people about all these issues. Like whenever you want to ask something, you want to search something, you go to Google. Undoubtedly, Google is one of the most important tool. It's a revolution. I'm not against Google. I'm not against use of Google. Don't misinterpret it. Here I'm telling you Google trustworthiness in the context of academic research or learning, not in the overall use of Google. Google is a fantastic tool. I also use Google. But there, when you are talking about academic research, learning, teaching, you have to understand that Google is not the best of the resource for your academic and research. Why? So let me give you some certain points. First thing about Google, a Google or any other standard search engines provide access to just 15 to 20% web contents. Why? Because they indexed only that contents. They don't index 80 to 85% web contents. Means when you are searching on Google, you are missing a large amount of information. Point number two, when you search on Google, the Google search, whatever you are getting as a result of Google search, Google will never certify authenticity of the information. That information is genuine, fake, or disinformation or misinformation. Google will never tell you. Point number three, while searching on Google, you may not get most relevant results higher up in relevancy ranking. When you are searching on Google, the first result is not the most relevant or most important or the authenticated result. See this example. I was searching top open access journal, and the first result was top best open access journals, Omics International. Omics International is a predatory publisher. Now you can imagine, you can understand that I am asking for the best open access journal and Google is giving me the first result as a predatory journal. So you can be well understood that Google aapko jo sahi information hai wo आपको डिसाइड करना पड़ता है, इसमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सही है कौन सी नहीं है, गूगल आपको नहीं बताता। तो हाउ टू डील विद दिस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड,
तो आपको ये समझना पड़ेगा और यूजर को भी समझाना पड़ेगा। बहुत सारे माइंड सेट है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। नो, इंटरनेट इज नॉट ए लाइब्रेरी और नॉट इवन ए डिजिटल लाइब्रेरी। यस, सो मच अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट एवरीथिंग अवेलेबल ऑन इंटरनेट इज नॉट यूजफुल फॉर योर रिसर्च। सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंटायर वेब, और आपको अपने यूजर्स को भी समझाना पड़ेगा। दिस वेब कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। सरफेस वेब इज दैट व्हाट वी आर सर्चिंग थ्रू गूगल और याहू और एनी अदर स्टैंडर्ड सर्च इंजन्स लाइक अल्टाविस्टा एंड अदर थिंग। डार्क वेब इज समथिंग विच इज हिडन, विच इज अंडर द सर्टेन काइंड ऑफ firewalls or something which is not very much relevant directly for research. The most important part is the deep web, which is very, very important for research, academic learning, teaching, which contains a lot of academic information or government data or various kind of important resources. And this deep web is very, very important. And this deep web is also very huge, like it is more than 2000 times greater than the quality of surface web. Basically, and most 95% of the deep web is free. It is not subscribed. It is not required any kind of subscription or user ID and password. So it means it is very, very useful, and that is also free. So how to search that deep web? You have to learn. एक लाइब्रेरियन के तौर पे आपको समझना पड़ेगा कि डीप वेब है क्या, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, और आपकी यूजर्स के लिए इसको कैसे इंपॉर्टेंट बनाना है, कैसे सर्च करना है। हर सब्जेक्ट डिसिप्लिन के लिए देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डीप वेब सर्च इंजन्स। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप मेडिकल में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप सोशल साइंसेज में, आप ह्यूमैनिटीज में, आप किस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं और मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से डीप वेब सर्च इंजन आपके यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, और ये ऐसे देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। तो इसमें मेटा सर्च इंजन लाइक एकेडमिक इंडेक्स आपके यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल सर्च इंजन लाइक डेटाबेस लाइक ओएस्टर इज इंपॉर्टेंट। आप गूगल पर सर्च मत करिए, गूगल स्कॉलर पर सर्च करिए, दिस इज मोर एकेडमिक सर्च डेटाबेस। GoPubMed, Delicious, Core, बहुत सारे ऐसे यूजफुल डीप वेब सर्च इंजन हैं जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की जो जर्नल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ये सब प्रोफेशनली डिजाइन सर्च इंजन हैं जो प्रोफेशनल्स ने डिजाइन की हैं, जिसमें कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन इंडेक्स की जाती है वो पीयर रिव्यू इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज होती हैं, तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर यू एज ए लाइब्रेरियन। माय डियर फ्रेंड, ये सब चीजें हमारे लाइब्रेरियन कोर्सेज में नहीं पढ़ाया जाता। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लाइब्रेरियंस बात नहीं करते हैं ये सब चीजें, मैंने लोगों को बात करते नहीं देखा है। मैं बहुत कई सालों से इस बात को बहुत लोगों से कहता रहा हूँ, अपने लाइब्रेरियन कुलीग को मैं कहता रहा हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि आज की डेट में लाइब्रेरियन का रोल क्या है, लाइब्रेरियन की इंपॉर्टेंस क्या है, और आपको ये सब चीजें समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए और आपको आनी चाहिए। जब आप एक यूजर को बताएंगे कि मान लीजिए कोई एमबीए का स्टूडेंट है, आप उसको बताएंगे कि फ्री लंच, बैंक रेट, ये सब आपकी जो डीप वेब सर्च इंजन्स हैं, ये आपको फाइनेंशियल डेटा देते हैं, तो ही विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो एज ए लाइब्रेरियन आपको समझना होगा कि ये इंटरनेट क्या है, ये वेब क्या है, इसकी कितनी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और इसमें क्या क्या यूजफुल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है हमारे यूजर्स के लिए, जो हम जिसको हमें सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूजर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकूँ, इसके लिए ही मुझे कम से कम एक घंटे चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Now, another important thing is that as a librarian, you have to provide access to all your resources, just like Google. देखिए, users बहुत fascinated हैं Google से। अब होता क्या है, एक library में आप किसी भी university में आप, जब मैं JNU में गया तो JNU में उस समय
कुछ डेटाबेसेस थे, कुछ जाके मैंने ऐड किए, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज 72 डेटाबेसेस। तो होता क्या था कि हर यूजर को 72 लिंक्स पर जाना होता था डिफरेंट रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी कैटलॉग का अलग लिंक था, मैंने थीसिस डिजिटाइज की उसका रिपोजिटरी का अलग लिंक बन गया, न्यूज़पेपर क्लिपिंग डिजिटाइज की उसका अलग लिंक बन गया। तो बहुत सारे लिंक्स थे जो यूजर्स को इनकन्वीनियंट फील कराते थे। सो व्हाट आई डिड, आई इम्प्लीमेंटेड टू टेक्नोलॉजीज। वन वाज द रिमोट एक्सेस, देयर वाज अ सिंपल सॉफ्टवेयर फ्रॉम OCLC इजेड प्रॉक्सी, एंड वी सब्सक्राइब सम प्रोडक्ट फ्रॉम सम कमर्शियल वेंडर ऑन डिस्कवरी सर्विसेज। And after integrating those remote access and discovery, anybody can access the library resources of JNU from anywhere, anytime, using these tools. And that was, I think, I remember in 2013, I did it, that JNU was the first few university libraries who implemented like this. And there was a lot of news items in the newspapers and other things. And once it was implemented, I become a hero for the faculty and students of JNU, because they never thought of having access to the resources when they are at home or they are traveling, or they are like many of them were traveling outside India, and they were able to access all the resources using those remote access in JNU. So as a librarian, aapke paas opportunity hai ki you become a hero of your users. You can win their hearts by providing such facilities. And anywhere, anytime access using the like Google like search using remote access. There are a number of tools for remote access and discovery. Ab usme federated search system use kar sakte hain aap, discovery web scale discovery kar sakte hain. Wo depend karta hai aapke paas kitni resources hain, kya facilities hain. That I will not restrict, that I will not recommend ki aap yahi istemal kariye. But this is another thing for modern librarian, and particularly in pandemic. This is one of the most important during this pandemic, during this COVID-19. This is the most important service. Every library should have it. Every library must have it. Even there are certain kind of open source tools like Viewfind and other thing. But it depend upon your library resources and collections and क्या आपकी टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टाइज को लेके आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट एवरी लाइब्रेरियन शुड नो और नो अबाउट इट। आई थिंक कोई लेक्चर आपको एक दो लोगों ने दिया है, रिमोट एक्सेस तो हर किसी के पास होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सी नाउ वी आर इन 21st सेंचुरी, दिस न्यू डेकेड हैव स्टार्टेड इन this millennium. So when we talk about new education technologies, internet of things, IoT, and according to that we are in the industry 4.0 and education 4.0. so now even in education, agar aap new education policy dekhen, there is a lot of focus on learning, art integrated learning, experiential learning, sport integrated learning. So learning has become a key. So libraries are considered a learning resource center. I'm very strong believer that we should think of introducing learning sciences into the library science. Learning science has become a very important thing. Main slowly koshish kar raha hu abhi. I'm a member of governing body of one Delhi University college. And in the board I presented this idea ki like we should name the library name as a learning resource center, and everybody was so impressed and very happy, and immediately the name of the library of that college has been changed from library to the learning resource center. So I think we need to find out, see this, sometimes the words make certain relevance in the present context. Aaj ke zamane mein kya important hai, aaj ke apne bachchon ke naam aap Gopilal aur Bhavaralal aur Ramnath rakhte hain kya? आज आप एक अब जब भी आपका कोई बेटा या बेटी पैदा होता है तो आप उसको गायत्री देवी या फिर वो सब आप एक मॉडर्न नाम ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस करंट एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि लाइब्रेरी शुड बी, आप सब अपनी अपनी लाइब्रेरीज का नाम लाइब्रेरी लर्निंग रिसोर्सेज सेंटर के नाम पर
चाहे वो नाम कोई भी हो आप, लेकिन लर्निंग रिसोर्स लाइब्रेरी की बजाय उसको रिप्लेस करिए लर्निंग रिसोर्स सेंटर। लाइब्रेरी इज नॉट ए, कई कई जगह नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर या नॉलेज रिसोर्स सेंटर दिया है, आई डोंट बिलीव इट, बिकॉज नॉलेज इज नॉट समथिंग वी आर मैनेजिंग, नॉलेज इज इन द माइंड, इन द आइडियाज एंड थिंक प्रोसेस ऑफ द, सो बट वी आर डीलिंग विद लर्निंग रिसोर्स सेंटर, ऑल द मटीरियल विच वी आर डीलिंग इज कंसिडर लर्निंग रिसोर्स सेंटर। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें या फिर करंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें, लर्निंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस टू द लर्निंग रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनलाइज्ड लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू रियली थिंक दैट नाउ द स्टूडेंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन रेदर देन कॉमन इंफॉर्मेशन। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में we have to think of having flexible learning paths, we have to focus on lifelong learning skills, we have to develop student-centric learning methods, and libraries as a learning resource center should bring this concept into the libraries. So now what you have to think, you have to improve the particularly in academic and research library, you have to help in enhancing the quality and visibility of the research output. You cannot do research for them, but you can provide them various kind of research support services. See, my experiment at GNU is an example. In a university like GNU, I totally revolutionized the system. I totally changed, transformed the way research is done in GNU. How to support them in research learning skills, and also like while writing thesis, how to use software like Grammarly and then plagiarism detection softwares. That was the 2012 when I implemented all those support systems and technologies in GNU, 8 years before now. And that became a kind of a point of attraction, and I really enjoy my experimentation with the GNU. So as a librarian, आपको अगर आप college में या university में काम करते हैं तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको ये सारी support उनको users को देनी पड़ेगी, आपको उनके लिए referencing में, bibliography में, that is your domain expertise. Librarians का सबसे बड़ा domain expertise यही होता है। तो referencing में कैसे उनको help करना है, citation में उनको कैसे help करना है, Mendeley, EndNote और Zotero कैसे सिखाना है, कैसे प्लेजरिज्म डिटेक्ट करना है, आई विल इन माय नेक्स्ट टॉक आई विल लेट यू नो हाउ यू कैन डू दैट। देन यू आल्सो नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ रिसर्च गेटवेज एंड गाइड्स फॉर देम, दे नीड योर हेल्प इन क्रिएटिंग वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च गेटवेज इन डिफरेंट एरियाज। यूएस में तो देर इज अ कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट लाइब्रेरियन ऑल्सो, बट वी मे नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट दैट सब्जेक्ट गेटवे, बट वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट this research gateway is something which one has to really think of, every librarian has to think of. Virtual reference service, dekhiye abhi hum log agar pandemic ki baat kare to physical contact should be avoided, so in that context virtual reference service is very very important. So aapko really think of providing virtual services over phone or mobile or on social media or through SMS or through email, तो आपको वो सारी virtual reference desk create करनी पड़ेगी, instant messaging की बात करनी पड़ेगी, आपको chat की बात करनी पड़ेगी। Facebook आप इस्तेमाल library के लिए बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप और भी बहुत सारे social media tools हैं जिनका कि आपने इसमें reference services में इस्तेमाल करना होगा। एक subject expert category, कई बार होता है कि यूनिवर्सिटी में आपके पास बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन सर्विंग एज ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, तो आप एक अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं, सब इंस्टेंट चैट के थ्रू या फिर मैसेजिंग के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, कि आप एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स को। ईमेल अलर्ट सर्विस, आर्टिकल डिलीवरी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मैंने जीएनयू में इम्प्लीमेंट किया, आप सोच सकते हैं कि बेसिकली ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पैंडमिक व्हाट यू कैन डू, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल इन जीएनयू व्हाट आई डिड,
We install some scanners and a computer in some reading room, and we allow faculty or student to scan the required article and email to them. So what is the advantage? Uska advantage ye raha ki jo users the unko agar koi आर्टिकल चाहिए तो फोटोकॉपी की बजाय वो उसको स्कैन करके अपने ईमेल पे भेज देते थे। उसमें कॉस्ट भी कोई इन्वॉल्व नहीं होती थी क्योंकि सिर्फ आपको एक स्कैनर और कंप्यूटर लगाना है। इन दिस कॉन्टेक्ट आई सजेस्ट टू यू दैट यू शुड आल्सो थिंक ऑफ प्रोवाइडिंग सम गुड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम इन योर लाइब्रेरी। ये पैंडेमिक में भी बहुत हेल्प करेगा, ये सोशल डिस्टेंसिंग में भी हेल्प करेगा, सैनिटाइजेशन में भी हेल्प करेगा। और द लास्ट थिंग वट इट शुड बी वेरी टॉप प्रायोरिटी थिंग, the services for persons with disability. I created a very good center for visually impaired students in JNU. There were 80 students, and all these assistive technologies like various kind of screen reading softwares and other things were installed in that. So ye bhi ek bahut important cheez hai jo ki matlab aap logon ko install karna chahiye. Aur bahut sari free accessible libraries hain जो आप अपने जो भी पर्सन पे विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, चाहे आपके स्टूडेंट हों या आपके फैकल्टी हों या आपके यूजर्स हैं, उनको आप बता सकते हैं कि सुगम पुस्तकालय या फिर ये बुक शेयर या नेशनल एक्सेसिबल लाइब्रेरी, ये सब फ्री लाइब्रेरीज हैं पर्सन पे विजुअल इम्पेयरमेंट, ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए, ब्लाइंड यूजर्स के लिए, तो आप इनके बारे में उनको गाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक these are some screenshot of these libraries. Or most important thing, your website should be accessible. Your user should be able to access the website. So I think with this, I want to close this first presentation. I'm sure I've tried to give you some glimpses of various kind of facilities and services which you can provide to your users during this pandemic. And also and after the pandemic, because these all are very important as a user, as a student or faculty members, everybody love to use technologies, and I think I recommend to you that whatever I have explained to you just now, I have implemented each and every technology. So, बिल्कुल मत सोचिए कि आप नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। मैंने कोई ये किताबों से आपको लेक्चर नहीं दिया, ये जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपसे शेयर किया है। तो जो मैं चीज इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? हैव अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ एंड डू इट। और बिलीव मी, आपके यूजर्स आपको भगवान मानेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको प्यार देंगे। इससे बड़ा ऑनर कुछ नहीं होता, इससे बड़ा अवार्ड कोई नहीं हो सकता। जब आपके यूजर्स आपको याद रखें, आपके जो यूजर्स आपको अवार्ड दें, रिकॉग्निशन दें, उससे बड़ा अवार्ड कोई भी नहीं है। कोई लाइब्रेरी एसोसिएशन कोई भी अवार्ड दे, कोई गवर्नमेंट दे, कुछ भी अवार्ड दे, वो अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आपका यूजर कहता है, सर यू डिड ए वेरी गुड हेल्प टू मी, आई एम सो हैप्पी विद योर सर्विस, आई एम एबल टू बिकम ए गुड प्रोफेशनल, आई एम एबल टू बिकम ए गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर और गुड साइंटिस्ट और गुड एकेडमिशियन। आई थिंक दैट्स अ मोस्ट वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट एंड अवार्ड फॉर ए लाइब्रेरियन, दैट योर यूजर appreciate you from his or her heart. So I think I close it my first presentation. So now if you have any questions related to this presentation, we can have some time for that, and then I will start the next presentation after. Thank you so much, Professor Gaur Bhavna this side, and I humbly thankful to you for this presentation, and it's really helpful for all the participants who are here. These are our new librarians, and it definitely going to help them. You have mentioned each and everything from very basic, and I know that all participants will encourage this your session. I have already sent you the feedback link in the chat box, so please submit your feedback as an attendance. Other than this, if you have any query for Professor Gaur, please type in the chat box. We will ask him at the end of the session. For now, Gaur sir, we don't have any query from the participants. If you want, you can continue your next session with this. So, sure. So let me open the next PPT, and then I will start.
just give me some time. Yeah, take your time, sir, no problem. Your screen is visible, sir. We can see that. Thank you. Yeah, you can see that? Yes. Fine. Okay, so the second presentation which I'm going to speak is Understanding Research and Public Health and Ethics, Plagiarism, Its Detection and Avoidance. इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको दो पर्सपेक्टिव से बात करूंगा. एक पहला पर्सपेक्टिव तो ये है, एज ए लाइब्रेरियन आप आपके जो यूजर्स हैं, जो आपके रिसर्चर्स हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आपको क्या जानना बहुत जरूरी है. देखिए, जब हम किसी भी कॉलेज की बात करें, किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझनी चाहिए कि जो रिसर्चर हैं वो आपसे सिर्फ खाली बुक्स और आर्टिकल्स और रिसोर्सेज के लिए नहीं देखते आपकी तरफ. आप उनको बहुत अच्छे तरीके से कई और चीजों में हेल्प कर सकते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जी, एक तो ये जो रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स में साइटेशन की अगर हम बात करें, साइटेशन इज अ डोमेन एक्सपर्ट्स ऑफ लाइब्रेरियन. तो एज ए लाइब्रेरियन आप रेफरेंसिंग को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं. और हमारे किसी भी कोर्स में स्कूल से लेके कॉलेज तक कहीं पर भी रेफरेंसिंग और साइटेशन नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाया जाता है. तो कोई भी रिसर्चर या कोई भी फैकल्टी, कोई भी स्टूडेंट, उसको ये नहीं पता होता कि एनोटेड बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी में क्या फर्क है, एंड नोट या फुट नोट में क्या फर्क है. बेसिक जो टर्मिनोलॉजी रेफरेंसिंग या साइटेशन की है वो लाइब्रेरियन सबसे अच्छी तरह समझता है. दैट इज योर डोमेन एक्सपर्टाइज, आप उसमें एक्सपर्ट हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है, बहुत सारी चीजें, एक आर्टिकल, मान लीजिए एक बुक लिख रहा है कोई फैकल्टी में, आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं अपना टॉक शुरू करूंगा. एक JNU में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो प्रोफेसर भटनागर आज की डेट में BHU के वाइस चांसलर हैं, तो ही वाज इन JNU दैट टाइम, आई वाज आल्सो इन JNU. तो ही कॉल मी कि रमेश, वी हैव अ कॉन्फ्रेंस एंड वी वांट टू पब्लिश द प्रोसीडिंग्स, क्योंकि वो लेकिन वो जो पब्लिशर है, आई थिंक देयर वाज अ 2 or 3 days फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस, तो पब्लिशर ने कहा है कि इसका इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, तभी वो पब्लिश करेंगे, और दे वॉन्ट सम टाइम फॉर द इंडेक्सिंग. तो उन्होंने मुझसे कहा कि कैन यू हेल्प मी इन दैट. तो मैंने कहा ठीक है, आई विल हेल्प यू दैट. तो व्हाट आई डिड, आई कॉल टू ऑफ माय स्टाफ एंड उनसे मैंने कहा कि चाहे आपको रात को 12 बजे तक बैठना पड़े, मुझे इस पूरी प्रोसीडिंग्स का एक इंडेक्स चाहिए. और मैंने उनको बताया कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग हो जाता है. अब मैंने कहा आपको सीखिए और इनसे कोशिश करिए. एंड दैट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल. Within 24 hours, we were able to compile the index of the proceedings. और वो जब पब्लिश हुई तो एक अप्रिशिएशन लेटर ही नहीं उन लोगों को दिलवाया, उन लोगों को, दोनों स्टाफ जो मेरे थे उनको कुछ
ऑनरेरियम भी पे किया गया उस कॉन्फ्रेंस बजट से। तो पहली बात तो बहुत टाइमली सबने किया, तो देन आई दिस बिकम ए पार्ट ऑफ ए सर्विस जेएनयू लाइब्रेरी में। फिर मैंने सभी फैकल्टी को कहा जेएनयू में आपको कभी भी कोई इंडेक्स डेवलप कराना हो तो माई स्टाफ कैन डू इट। तो वो जो इंडेक्सिंग जिसके लिए पब्लिशर चार्ज करता है, जो फैकल्टी बहुत टाइम लगाती है, हमारे पास ऑटोमेटिक इंडेक्सर्स अवेलेबल है, टूल्स अवेलेबल है, तो उनकी जानकारी लाइब्रेरियंस को नहीं होती है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट इन दिस टॉक एज ए लाइब्रेरियन, देर आर नंबर ऑफ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज विच यू आर द डोमेन एक्सपर्टाइज, आप समझ सकते हो। तो आपको करना क्या है, एक तो ये जो मैं प्लेजरिज्म की बात करूं, मैं रेफरेंसिंग की बात करूं, मैं साइटेशन की बात करूं, ये चीजें खाली मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप इसके दो पर्पज हैं। एक पर्पज है कि एज ए रिसर्चर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप बुक लिखना चाहते हैं, आप अपना कोई भी रिसर्च राइटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि एज ए लाइब्रेरियन हाउ यू कैन हेल्प योर रिसर्चर्स, हाउ यू कैन हेल्प देम इन वेरियस काइंड ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज। देखिए प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो सिनेप्सिस बनाने से लेके हर स्टेप पर जो रिसर्चर होता है उसको लाइब्रेरी की हेल्प की जरूरत होती है। सबसे पहले तो रिसर्च करने के लिए उसको मटेरियल चाहिए, उसके बाद जब रिसर्च राइटिंग करनी है तो उसके लिए रिसर्च राइटिंग के लिए उसको ग्रामरली सॉफ्टवेयर जैसे ग्रामर हेल्प के लिए चाहिए, या फिर प्लेजरिज्म डिटेक्शन के लिए चाहिए, या एंड नोट या मेंडले रेफरेंस साइटेशन के लिए हेल्प के लिए चाहिए। उसके बाद फिर जब पब्लिश करना है तो ही इज नॉट अवेयर विच आर द क्वालिटी जर्नल्स, तो उसके लिए यूजीसी केयर लिस्ट के बारे में जानकारी देना हो, या फिर क्वालिटी जर्नल्स कैसे चूज करना है, हाउ टू चूज ए क्वालिटी जर्नल, ये सारी चीज आपका एक्सपर्टाइज है। तो इंटायर रिसर्च प्रोसेस देयर इज अ डेफिनेट रोल फॉर ए लाइब्रेरियन। मैं आप लोगों को सिर्फ यही चीज बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन में कोशिश कर रहा हूं कि एज ए लाइब्रेरियन यू हैव टू डेवलप योर एक्सपर्टाइज, यू हैव बिकम ए ट्रेनर, यू हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट टू गाइड your faculty and student. And I can tell you, a faculty of chemistry may be excellent in his subject, but he may not be expert in citation, he may not be expert in indexing, he may not be expert in referencing, he may not be expert in all these research outputs, citation tools, or even these all kind of scopus or web of science research matrix tools. रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो रैंकिंग के लिए हमें कितने सारे डेटा की जरूरत होती है। तो ये रिसर्च में जो एक एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, एंड दिस इज द अनदर चेंजिंग रोल फॉर ए लाइब्रेरियन एज ए बडिंग लाइब्रेरियन। अगर आप सीख रहे हैं तो ये सारी चीजें सीखिए, इनके बारे में अपनी एक्सपर्टाइज तैयार करिए, इनको समझने की कोशिश करिए। हमारा बहुत सारा जो लाइब्रेरी कम्युनिटी है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हैं, वो बहुत सारा फोकस थ्योरेटिकल चीजों पर चला जाता है। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ ये करने जा रहा हूँ कि आपको हाउ टू बिकम ए गुड लाइब्रेरियन। मेरा पर्पज इस टॉक में आपको खाली ये प्लेजरिज्म और डिडक्शन के बारे में बताना नहीं है, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर कि इन द न्यू कॉन्टेक्स्ट, इन द न्यू चेंजिंग सिनारियो, इन द न्यू चेंजिंग सोसाइटी, हाउ टू बिकम ए गुड लाइब्रेरियन, हाउ टू बिकम ए good academic teaching research librarian. Because now see, if you are just doing a job of classification, cataloging, book acquisition, anybody can do it. आप मुझे बताइए किताब खरीदने के लिए कौन सी PhD या masters की जरूरत है, subscription negotiation करने के लिए क्या आपको PhD in library science की जरूरत है, किताबों को shelf पर लगाने के लिए या issue return करने के लिए क्या आपको PhD in library science की जरूरत है, आपको रिसर्च या एकेडमिक टीचिंग की जरूरत है कि आपको यू हैव टू बिकम ए टीचर, यू हैव टू बिकम ए रिसर्चर, यू हैव टू बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द एंटायर यूनिवर्सिटी सिस्टम, यू हैव टू बिकम पार्ट एंड पार्शियल ऑफ एंटायर रिसर्च सिस्टम। लेकिन उसके लिए एक कहना तो
जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए हार्डवर्क की जरूरत है, इसके लिए सिंसियरिटी की जरूरत है, इसके लिए डिवोशन की जरूरत है, इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत है, इसके लिए 24/7 लाइब्रेरियन बनने की जरूरत है। आप सोचें कि ये बगैर मेहनत के कुछ हो जाएगा, सिर्फ आप कहेंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत इसके लिए हार्डवर्क करना होगा, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें हार्डवर्क ना हो। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च पब्लिकेशन एथिक्स, मैं आपको कुछ शुरुआत में बताता हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर यू दिस रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स। सो देर आर टू थिंग्स हियर फॉर रिसर्च आई एम एड्रेसिंग लाइब्रेरीज इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए, आपको चाहे वो आप लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में काम करते हैं, आपके लिए या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, किसी कॉलेज में काम करते हैं, आपके लिए ये सारे यूजीसी रेगुलेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट रेगुलेशन 2009, अकॉर्डिंग टू दैट इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड सबमिट योर थीसिस एंड डिसर्टेशंस इन शोध गंगा रिपोजिटरी, वो मैंडेटरी है आपके लिए। तो ये जो पहला रेगुलेशन है, आई एम श्योर कि आप सबको इसके बारे में जानकारी होगी। तो इसके लिए MOU आपको इम्प्लीमेंट से साइन करना होगा, और आपकी जो भी थीसिस डिसर्टेशन आपके पास है, आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तो ई सोर्स हिंदू में डिपॉजिट करानी होगी। अगर आप नहीं कराते तो आपको कराना चाहिए। देयर इज अ सेकंड रेगुलेशन, दैट इज UGC प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018। आई वॉज द मेंबर ऑफ दिस MHRD कमेटी, UGC MHRD कमेटी विच हैज ड्राफ्टेड दीज रेगुलेशंस। दीज आर द मिनिमम रेगुलेशंस विच वन हैज टू ड्राफ्ट द गाइडलाइंस बेस्ड ऑन दीज रेगुलेशंस, और ये मैंडेटरी है हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए जो UGC से एफिलेटेड है, UGC से अप्रूव्ड है, UGC से रिकॉग्निशन मिली होगी, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, UGC केयर लिस्ट ऑफ क्वालिटी रेफरेंस जर्नल्स, ये दिस इज टू अवॉइड पब्लिशिंग इन प्रेडेटरी जर्नल। तो अकॉर्डिंग टू नाउ दिस लिस्ट विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन June 2019, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द रिसर्चर that you should publish only in the journals which are listed in this UGC care list. अगर आप किसी और जर्नल में पब्लिश करेंगे, आपका यूजर किसी और जर्नल में पब्लिश करेगा, तो उसको रिकॉग्निशन नहीं मिले, रिसर्च स्कोर नहीं मिलेगा। तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड ऑल्सो यू हैव टू गाइड दोस योर रिसर्चर। नेक्स्ट रेगुलेशन इज रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, we call it RPE course. This is a 2-credit course approved by the UGC. It is mandatory for pre-PhD student. जो pre-PhD coursework की हम बात करते हैं, PhD student के लिए वो mandatory है। तो आप as a library आप इस course को conduct कर सकते हैं, Department of Library Science अगर आपकी university या college में है वो भी conduct कर सकता है। There are several university libraries who are conducting this course. I can give you an example. Central University of Haryana have just started this course for their PhD student, or they are doing very successfully. तो ये जरूरी नहीं है कि Department of Library Science ही ये course करे। अगर आपके पास Department of Library Science नहीं है और वो नहीं करना चाहते, University Library can do it, College Library can do, your Research Library can do this course for PhD student. एक और important document जो UGC ने अभी तैयार किया है, वी कॉल इट GRP, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। ये सितंबर में लॉन्च हुआ है। दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड यू डेफिनेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टर्मिनोलॉजीज लाइक प्लेजरिज्म, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, रिसर्च मिसकंडक्ट, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, रिसर्च एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी, ऑल दीज डेफिनेशन। इफ यू वॉन्ट टू रियली अंडरस्टूड वॉट ऑल अबाउट रिसर्च एंड एकेडमिक इंटीग्रिटी, यू शुड read this document. So as a librarian or as a teacher of library science, even a student of library science, I request all of you must go through these regulations. Ye aap note kar lijiye, aap zarur padhiye in regulations ko aur samajhiye in regulations ko, aur jahan jahan aapka role hai aap inko apne university mein, apne college mein, apne research institution mein implement karaiye. Aur even आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्लेजरिज्म पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए बात करिए
अगर नहीं है तो इन इन रेगुलेशन के बेसिस पे ये पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी है हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर कॉलेज के लिए, क्योंकि जो भी प्लेजरिज्म के केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके यूनिवर्सिटी में देयर शुड बी एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल एट डिपार्टमेंट लेवल एंड ऑल्सो एट इंस्टीट्यूशन लेवल. डिपार्टमेंटल लेवल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड इंस्टीट्यूशन लेवल शुड टेक द पनिशमेंट एंड दीज पनिशमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू दीज रेगुलेशंस एक लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री. तो एज अ लाइब्रेरियन यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दोस and also as a teacher of library science you should make ensure that this policy should be drafted and this policy should also contain some more information like defining how what is plagiarism, what how to detect, how to avoid, what are the guidelines for students or teachers, what is citation, how to cite. So all these guidelines should be part of that plagiarism policy. This is something about various kind of like those Office of Research Integrity document. Research Academic this UGC GRP document in which they have advocated कि there should be Office of Research Integrity. जैसे कि IQAC होता है, इसी तरीके से इस document के अंदर ये promote recommend किया गया है कि there should be a Office of Research Integrity in each and every university and college. तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं. इसमें they have defined ethics क्या है, rigor research क्या है, relevancy of research क्या है, transparency research क्या है, how to have different kind of impartiality, respect for the publication, colleagues, autonomy, independence, accountability. All these issues have been defined in this document. So you really need to understand what is this academic integrity or research integrity. And according to that, what are the different kind of research ethics? See, basically as a librarian, you may not require to go into each and every research ethics. You should focus on one component that is called research and publication ethics, because you are more concerned about the helpful guidelines or the support to be provided to the researcher at the time of the writing of research or the time of the publishing of research. So research and publication ethics are considered various kind of research and research misconduct or scientific misconduct means falsification, fabrication or plagiarism. So these are the in the one sense the violation of the standard codes of scholarly conduct and ethical behavior in the publication of professional scientific research. So what are these research and publication ethics? These are dealing with the various kind of collaboration issues, authorship, data ownership, ethics, consent, peer review system, various kind of permission and licensing policies, various kind of use of images or data or tables, or various issues concerning animal and human subject. So in total, research publication ethics may be considered a set of common rules among authors, editors, reviewers, and publishers to protect integrity of a scientific record. Means based on that, based on consensus about standards and best practices, ensure the integrity of the scientific record, ensure that readers can trust what they read. So basically, these research and publication ethics are and you need to understand this. You need to come out with some kind of support systems, facilities, services for your users in this area. So let me explain you what all about research and publication ethics. So when we talk about research, why do we do research? To contribute or to extend knowledge. How do we do this? By building on the work of others. Means no research can be done without referring existing knowledge, means books, articles, book chapters, etc. And after when you are writing your research, at the time of the writing research, you are reporting in form of a publication like article or a book chapter or thesis chapter or a book or any kind of monograph or research report.
So at the time of the reporting, you are expected to place your research in the right context to show that you are aware of what else is happening. And also, you need to make a distinction between what are the ideas you have borrowed from existing knowledge, means what material you have borrowed in form of citations, summarizing, paraphrasing from the publications, existing publication, and what are your original ideas, what you have created new research. So, and in case if you are not able to maintain it, this is a violation. And why it is important to make this distinction? Because your referee, your examiner, your reader should understand that the paper what they are reading, what are your own ideas and what ideas you have borrowed from other sources. That's why citation is important. That's why credit to the original creator is to them important. So in case if you are not maintaining that, then it is considered a kind of research misconduct. Misconduct means fabrication, falsification, plagiarism, or any other practice that seriously deviates from practices commonly accepted in the discipline or in the academic and research communities, generally in proposing, performing, reviewing, or reporting research and creative activities. So let's talk about fabrication first. Fabrication is the intentional act of making up data or results and recording or reporting them. Means somebody is using fake data. So you need to understand this fabrication. You need to guide your researcher to avoid or to not to do this fabrication. So this is something very, very important to understand, that any kind of fake research, fake data, fake consent, fake survey, all these things should not be done, that because this is considered academic fraud or also intentional act of plagiarism. Then falsification. Like, what is falsification? It's a manipulating research materials, equipments or processes, or changing or omitting, suppressing data or result without scientific or statistical justification. Means you are doing some research, you are not getting desired results. So what are you doing? You are manipulating data. You are manipulating processes, materials, methods, or you are using fake statistical analysis techniques. So this is also an academic fraud. And this is also an act of intentional plagiarism. You should avoid that. Another is, like, ethically speaking, plagiarism is an act of stealing someone else's work and attempting to pass it off as your own work. So this can apply to anything, written, verbal, non-verbal, audio, video, all form. Plagiarism is found in all forms. And when we talk about types of plagiarism, unintentional or accidental plagiarism is something very, very common. The person who is doing it is not aware of it, or unknown, or because of lack of understanding, these kind of plagiarism do happen, like using minimum or careless paraphrasing, failing to document or cite properly, quoting excessively. मेरा कहने का मतलब है कि आप प्लेजरिज्म नहीं करना चाहते, लेकिन बिकॉज आप बहुत सारी चीजें जानते नहीं हैं, आप साइटेशन प्रॉपर नहीं जानते हैं, आप ये नहीं जानते कितना कोटेशन करना, कितनी कोटेशन, कितना मटेरियल कोट से होना चाहिए, आपकी इंग्लिश या कोई भी राइटिंग जो लैंग्वेज है जिसमें आप आर्टिकल लिख रहे हैं, अगर उसकी लैंग्वेज वोकैबुलरी आपकी अच्छी नहीं है, आपको उसका स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नहीं पता, आपको ये नहीं पता कोटेशन कैसे लिखना है, साइटेशन कैसे लिखना है, तो उन गलतियों की वजह से वो प्लेजरिज्म जो होता है उसको वी कॉल इट अनइंटेंशनल और एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म, योर ओन आर्टिकल, आपको लगता है कि मैंने पेपर लिखा है, मैंने बुक लिखी है, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है, तो मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। नो, दिस इज नॉट द केस। यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट डू इट, बिकॉज देर आर रूल्स which you have to follow. आपके पेपर में और किसी और के पेपर में कोई फर्क नहीं है, तो आपको जो रूल्स दूसरे के पेपर के लिए यूज करने हैं वो अपने पेपर के लिए। इसमें सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो एक यूजीसी ने भी क्लैरिफाई किया है कि सेल्फ जो पेपर है उसको आप बार बार रिसाइकल नहीं कर सकते, आप बार बार उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इस केस में एक ही आपको छूट मिलती है, वो है कि अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है, कोई भी पीएचडी स्टूडेंट जो पीएचडी के दौरान पेपर्स लिखता है, उन पेपर्स को वो एज इट इज इंक्लूड कर सकता है थीसिस में। लेकिन ये द पेपर शुड बी पब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिसर्च ऑन द टॉपिक ऑफ द रिसर्च, अदरवाइज यू कैन नॉट इंक्लूड इट। देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज फॉर इट, पेनल्टीज आर देयर, इट इज नॉट जस्ट एन एथिकल इश्यूज। अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन देयर आर पेनल्टीज फॉर ईच एंड एवरी क्राइम, एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू यूजीसी रेगुलेशन यू विल बी पनिश्ड। There are examples where the people at highest level also involved in it. This German education minister has to resign. There were some doctors in Abdul Aziz Medical College. This was one of the case of use of fake data. One of the PhD students from IIMTech Chandigarh, he published 7 articles using fake data, and later it was found that this is a fake data. He was terminated. He was expelled from the institute, and his supervisor was also terminated. So there are number of examples where people have been found. This gentleman committed suicide because 2 of his papers were found plagiarized. Even a MPhil student from B. Nirmal South Gujarat University committed suicide because her MPhil dissertation was plagiarized. So it is a very disgraceful for both individuals and institute. You have to learn about this rules of the publishers. This is a committee on publication ethics. So you need to understand this committee has a flowchart of pre-publication and post-publication checking. And according to those, they have made a guidelines ki if it is a minor case of plagiarism and paper has been submitted, author may be asked to rewrite it. If it is a paper has been published, paper may be corrected. But if it is a major case of plagiarism, then if paper has been submitted, it will be rejected. If paper has been published, it will be retracted. And same time, the author's institution will also be, like university vice chancellor will be informed that so and so faculty from your institute has been found plagiarizing the contents. So this is something which is according to the commit COPE guidelines, but there are some other guidelines like Bahami. There is another association of medical editors. They have different guidelines. Then there is a publisher also have some guidelines. Publisher can also take action according to their guidelines, which is generally available at the time of the publication of author. Cases of protections are increasing. Now, from 2015, publishers are very well equipped with this various kind of plagiarism detection software. So now, less number of cases have been reported. But it doesn't mean that people have stopped doing plagiarism. Another important for a librarian should know how to detect plagiarism. देखिए मैंने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप प्लेजरिज्म डिडक्शंस करके बताएंगे कि कितने परसेंटेज सिमिलरिटीज है। और कई जगह हैं जो हमारे लाइब्रेरी कुलीग्स हैं उनको प्रॉपरली पता नहीं होता कि इसको सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, उनकी जो सिमिलरिटीज परसेंटेज से पहले क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ टू जज द क्वालिटी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, how to set up the filters to exclude something minimum, and what is the common knowledge and other things. See, according to me, Turnitin and Authenticate are one of the best softwares. Urkundi is also good, but comparatively, the quality of a software is being judged on the basis of these parameters. Number one, how many databases it is doing it available for the content batching, because if you are checking from the highest number of content matching databases, your result will be more accurate. And in that case, Turnitin and Authenticate are connected with CrossRef. CrossRef is one of the largest content matching databases. Second is how many languages contents are being checked.
So Clarendon is having, I think, 27 languages. So in that way, they have some superiorities. There is no good quality software. Hello, Dr. Gar, are you there? I'm not sure if we can hear you, or is it my connection? No. I think Dr. Gar got disconnected. So we'll wait for him to join back. In the meanwhile, I request all the participants to make sure that you have filled all the feedback forms because we will be calculating the total attendance till today. So make sure you have filled your all the feedback links today. Can some participant please confirm if you can hear at least me or not? Can you hear me? Okay, thank you. Bhavna, please share the feedback link with everyone, not just me. Don't do a direct message to everyone. I'll do everyone publicly. Yeah, so you can now share your feedback publicly. So yeah, thank you. So feedback link for session 24 is also online. Let me just connect with Dr. Gaur and see if. वेलकम बैक डॉक्टर गौर. अच्छा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. ओके सॉरी, एक्चुअली सडनली देयर वाज सम थिंग वेरी वेरी अनयूजुअल इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन इन माय हाउस. आई डोंट नो हाउ इट हैपन, ऐसा कभी होता नहीं, बट सडनली देयर इज अ कंप्लीट लॉकआउट. आई हैव कनेक्टेड थ्रू माय हॉटस्पॉट. मैंने मोबाइल डाटा से कनेक्ट किया है, तो अभी मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगा क्योंकि मैं मोबाइल डाटा से कनेक्टेड हूं. तो आई डोंट नो हाउ इज द वॉइस, इज ओके?
Sir, crystal clear, and we can also see your screen. Okay. No, so let me just move the slides when I was there, and then I will start. Because currently, मैंने अपना जो जियो पैड मेरा जो आई पैड है उसके जो हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ. जी सर. So, it should work. मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था. कई बार लोग सवाल करते हैं कि कौन सा प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर हमें इस्तेमाल करना चाहिए. तो इसके कई पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रख के आपको ये समझना चाहिए कि आज की डेट में इंडिया में ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस यूज कर वो या तो टर्नेट एंड ऑथेंटिकेट या फिर उर्कुंड is provided by free by through the member libraries by East Coast Hindu Consortium. लेकिन कुछ और small local players भी हैं. लेकिन देखिए open source softwares हों या फिर local players हों उनकी एक limitation है. ये जो small local players हैं उनको मैं recommend करूँगा अगर वो regional language या हिंदी वगैरह में कुछ provide करते हैं तो ठीक है. लेकिन they are not good enough to help you in the international arena. उसका रीजन क्या है कि ये आप जो भी किसी पब्लिशर का कंटेंट चेक करेंगे उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है जैसे क्रॉस रेफ चार्ज फॉर पर सिमिलरिटी. तो ये जो जितने भी हमारे लोकल प्लेयर हैं या जितने भी हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है. दे कैन नॉट गेट इट चेक थ्रू क्रॉस रेफ और बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव डेटाबेस. तो कई बार लोग मुझसे बात करते हैं कि वाई आई Because as a professional, I can only recommend or quality things. तो ये हो सकता है कि आप best quality अगर आप चाहते हैं तो best software use करें साथ में जो Indian languages के लिए अगर कोई Indian software अच्छा है तो आप उसको इस्तेमाल करें क्योंकि अभी Turnitin या Urkund में किसी में भी Indian languages coverage नहीं है. So please keep it in mind कि these plagiarism prevention softwares they help you in various kind of like in checking the similarities and also citation verification and also in peer review and other things. But these are also having certain limitation. देखिए कुछ भी perfect नहीं है इस दुनिया में. लेकिन उसके बावजूद भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं और ये same thing is with the plagiarism detection software. Most of these plagiarism detection software cannot check mathematical formulas, tables, graphs, images, and also certain other text material. तो इनको हम check नहीं कर सकते. इसके लिए आपको जैसे image है आप उसके लिए image detection software को इस्तेमाल करना होगा. इसके साथ साथ जो सबसे important चीज है कि हमें जानना बहुत जरूरी है कि what is excluded as per the law, as per the rules, what is excluded from similarities. जो हम किसी भी देखिए computer software से जो भी plagiarism detection software होगा जब हम detect करेंगे तो वो तो हमें सिमिलरिटीज दे देगा. लेकिन उससे सिमिलरिटीज को जनरेट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो सिमिलरिटीज को कैसे एनालाइज करना है. तो सबसे पहले तो एक्सक्लूजन्स को हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा. उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर में सेटिंग करनी होगी जैसे कि बिब्लियोग्राफीज आर एक्सक्लूडेड, कोटेशंस आर एक्सक्लूडेड, सिमिलरली कॉमन नॉलेज इज एक्सक्लूडेड अकॉर्डिंग टू यूजीसी रूल्स. Any coincidental term up to 14 consecutive words is excluded. Similarly, जैसे कि मैंने बताया कि अगर PhD student ने कोई paper publish किए हैं और वो उसी it is entitled for exclusions, so those papers need to be excluded. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि common materials, methods जो unavoidable हैं, तो इन्हीं सब चीजों को exclude करने के लिए you have to keep it in mind कि ये सारी चीजें एक्सक्लूडेड है तो एक्सक्लूड आपको एक्सक्लूजन प्रॉपरली इसका करना होगा. एंड आफ्टर दैट एक्सक्लूजन यू हैव टू जनरेट दिस रिपोर्ट. ये Turnitin का स्क्रीन है. तो एवरी सॉफ्टवेयर इज हैविंग डिफरेंट स्क्रीन और में कुछ और स्क्रीन आएगा. तो दिस सिमिलरिटी रिपोर्ट जो हम बात करते हैं जिसको ओरिजिनलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू एनालाइज इट. So right side is the similarities from the web contents and left side is your contents. The similarities are numbered 1, 2, 3, 4.
सो नाउ यू हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी सिमिलरिटी. और उसको कैसे एनालाइज करना है आपने, आपने देखना है कि इट इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग साइटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट साइटेशन, इट इज बिकॉज ऑफ देयर इज नो साइटेशन. सो इन दैट केस यू हैव टू करेक्ट द साइटेशन. नाउ सेकेंड सिनारियो इट इज कॉपीड. सो देन यू हैव टू, what you have to do, you either you have to rewrite, you do paraphrasing or summarizing, and then you have to put the citation if it is essential to keep. If it is not essential to keep in the contents, then you can delete it. Uske baad ek situation ho sakti hai, if it is a common knowledge, exclude it. If it is coincidental up to 14 words, exclude it. It is a student papers, research papers which are part of thesis, exclude it. And something unavoidable, exclude it. So on the basis of that, then you have to generate the similarities. And according to the UGC, these similarities cannot be more than 10% for your research. So these are 10% similarities, and these are coincidental, common knowledge, unavoidable. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कुछ एक पैरा कॉपी कर लिया और कहा जी ये तो 10% एक्सक्लूडेड है. 10% is something which is unavoidable, common knowledge, or accidental, or something which is coincidental. तो उसको आपने 10% में रखना है. 10% में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अगेंस्ट द रूल्स हो. एनी सिमिलरिटीज कैन बी प्लेजरिज्म, ऑल सिमिलरिटीज मे नॉट बी प्लेजरिज्म. सो यू हैव टू, नोबडी कैन फिक्स द लिमिट. 10% इज द मैक्सिमम, नो यूनिवर्सिटी कैन इंक्रीज दिस लिमिट. दिस इज एज पर द रेगुलेशंस. यू कैन रिड्यूस इट बट यू कैन नॉट इंक्रीज द लिमिट. सो आई थिंक एज ए लाइब्रेरियन आपको दो काम करने हैं. एक तो आपने समझना है कि ये कैसे प्लेजरिज्म डिटेक्शन करना है, तो उसके बारे में सारी जानकारी और गाइडलाइंस करनी होगी. नाउ नेक्स्ट थिंग, यू शुड लर्न हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म. यू हैव टू ट्रेन द यूजर्स, यू हैव टू लर्न योरसेल्फ हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म. सो सिंपली यू एडवाइज एवरीबडी, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट, दैट सिंपली बी ऑनेस्ट वाइल राइटिंग योर रिसर्च. यू शुड नो अबाउट द गाइडलाइंस, गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई द यूनिवर्सिटी, गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाई द university, UGC guidelines provided by any other agency, funding agencies, and also research methodology courses, English remedial courses, reference management training programs, library orientation, author workshops, course in technical writing, course in research writing, course in referencing. All these are important. So you should organize for your students. You should also know about these courses. Reading is an art. How to read, understand, analyze, and take notes. This is something you can organize a training program for your students. This is the research paper which guide you how to guide the students about taking best paper. You should have softwares for plagiarism detection, for reference management, for various kind of other facilities, and also you should know about various kind of research forum, online discussion groups. See, researcher can be made, and this is important for a librarian to understand all those things. आपको पता होना चाहिए ORCID क्या है, ORCID के advantages क्या हैं, ORCID is a registry system for the researcher. It is free, and it has many advantages apart from citation, visibility, or your connection with the publishing houses and publishing industry. So many advantages. So first you know. You should know, and then you tell your readers. Like second is, you should advise all your researcher to be part of research forums like Academia or ResearchGate or Faculty 1000 and so on. So, इनके advantages क्या हैं? देखिए advantages हैं कि it help in enhancing the research visibility. एक advantage और है कि बहुत सारी चीजें आपकी library subscription में नहीं हैं, लेकिन आपको चाहिए तो many authors are available on these platforms. You can request author directly to provide the copy of the article. You can also request others who are having copy of the article to provide you. This is one of the legitimate way of getting references which are not part of your library collection. You should be in connection with various researchers all over the world. You can know how the research in progress going on. So these are the things somebody should know about it. This I have already explained you about the Google and other thing in the last presentation. So I am skipping these slides on deep web. ये भी बहुत जरूरी है. Then as I mentioned, आप लोग खुद जानते हैं सारी चीजें. आप as a librarian, आप लोगों के लिए ये सब नई चीजें नहीं है. तो आपने users को बताना है कि ये
रेफरेंसिंग क्या है, ये एनोटेड बिब्लियोग्राफी क्या है, एंड नोट क्या है, फुट नोट क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ साइटेशन स्टाइल्स जानना भी बहुत जरूरी है। तो इन साइटेशन स्टाइल्स को जानने के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना है कि किस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के लिए, किस किस स्ट्रीम के लिए कौन सी साइटेशन स्टाइल बहुत पॉपुलर है या इम्पोर्टेंट है। एंड माई रिक्वेस्ट, माई सजेशन टू यू इज दैट इंस्टेड ऑफ लर्निंग दीज साइटेशन स्टाइल्स मैनुअली, यू शुड लर्न यूज ऑफ रेफरेंस मैनेजमेंट टूल्स लाइक एंड नोट, फैट, मेंडले और जोटेरो। देखिए, इन साइटेशन स्टाइल को जितना टाइम लगाएंगे सीखने में, उससे बेटर एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए और अपने यूजर्स को भी वही सिखाइए, जिससे कि वो लोग अपना टाइम सेव कर सकें। जब भी आप पेपर लिखना चाहते हैं, यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट योर सेल्फ इन द सब्जेक्ट। फर्स्ट यू डेवलप द सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज एंड देन यू शुड डेवलप डिफरेंट काइंड ऑफ राइटिंग स्किल्स एंड अदर थिंग्स। Please be aware, there are only three ways of using others' material: summarizing, paraphrasing, and quoting. Summarizing is something, when you summarize, you provide your readers with a condensed version of an author's key points. A summary can be as short as few sentences or much longer, depending on the complexity of the text and the level of detail you wish to provide to your readers. Paraphrase is the same thing, a restatement in your own words of someone else's idea. Changing the few words in between is not good, because sometimes, like people do by changing some words in para, you have to change the complete both the words and sentence structure of the original without changing the contents. And as a smart paraphraser, you should know how to change the order and structure of sentences, use synonyms and different form of the words, may change the voice and perspective. Quotation, that's important for you to understand what is quoting, when to quote, how much to quote, how do I incorporate quotation, quoting within quotes, how do I include quote in my paper, single versus double quotation, punctuating quotation. See, basic rule of thumb in all discipline is that you only quote directly from a text when it is important for your reader to see the actual language used by the author of the source. A quote is word, sentence, or sentences that a writer copies exactly from the source verbatim. A quotation is up to 39 words. You have to put it in quotes. If it is more than 39 or 40 words, it stands alone without quotation marks and is indented 5 spaces. You should know that. If you don't want to know, then you should use automatic citation tools. When to use double quotation, when to punctuate quotations, all these things should be known to you. What is common knowledge? A well-known fact, information that is likely to appear in numerous sources and to be familiar to a large number of people. Example, smoking can cause respiratory disease such as emphysema and cancer. This is known to everybody. You need not, even if it is appeared in several publications, you need not to cite. Even if it is shown in exclusions, you can exclude this because this is a common knowledge. You may be doing work in group work or in single. If you are doing a group work, sometime you will submit a single piece of work as a joint report. Sometime you work, submit a report individually. In all cases, you need to cite the source. This I have already explained that as a PhD student, you can include your research paper in thesis. Then next thing is you should know about these reference management tool, EndNote, Mendeley. I'm sure somebody has talked about it in this training program. I don't have more time. I'm just giving you an idea that as a librarian, you should know about these. Mendeley is one of the best tool. It is also annotator. It help in archiving, managing research. And it is also having features for PDF annotator. Jotero is another software. Besides, you should also know various kind of things like what is redundant or duplicate publishing, what is simultaneous publishing, what is slummy slicing or slummy publication. Because of paucity of times, I cannot explain you all those things, but it is important for you to understand all those things. What is ghost writing? What are the rules for using ghost writing? What is a predatory journal? How to identify a predatory journal? There are various ways of identification of predatory journals. And in this context, as a librarian, it is easier or it is important for you to
understand. See, my various talks are available on this topic on internet on my YouTube channel. If you want to know more about this topic, there is a talk, how to identify predatory journals and choose a quality journals. What is UGC care list? My complete talk is available at my YouTube channel, Professor Ramesh C. Gaur. At least 100 talks are available. My 100 talks are available on this YouTube channel. So because now it's already 5 o'clock, I cannot exclude or exceed the time. Because I know since morning you have been listening all these talks. So I want to keep some time for interaction. If you have anything with this, I want to conclude it here. And if any one of you is interested in seeking my presentation, I would be happy to give you. Even if you can use my PPT for talks by giving my acknowledgement for your student or faculty member, I will be happy to allow you to use of my PPTs for various talks and presentation. So these words, I stop share and will come to the screen. And if you have any interaction or question or any clarification, I'll be happy to answer you. Thank you. Thank you so much, Gaur sir. I am sure this was very helpful for our audience. There, the topic on plagiarism and maintaining publication ethics was also covered in one of our previous sessions, but a topic as important as this one requires reiteration. And I'm sure, you have put your own twist on the topic, and it was helpful for our participants. So I request all the participants to share whatever questions you want to take full advantage of this opportunity to ask questions to one of the stalwarts of our industry. I'll get this going, sir, in the meanwhile, we'll give some time for participants to write their queries in the chat box. I'll get this started. So one question related to, one point you mentioned was that not everything available for free is open access, right? And this, I was in one of our earlier talks, an expert also mentioned Sci-Hub. Now, I have a very differing point of view than the expert, but as a host, I cannot share my opinion on Sci-Hub. So I feel it's a little dangerous to use Sci-Hub or to promote Sci-Hub. Where do you stand? I mean, from a common man's perspective, from an academician's perspective, from a librarian's perspective, where do you stand on, Sci-Hub as... Is it a challenge for the industry? Is it a boon for scholars? Where do you stand, sir? See, basically, initiative like Sci-Hub are referred as black open access. Yeah. Because these are not legitimate and these are not... let me tell you, all the readers, you cannot refer any publication, or you cannot quote any publication, or you cannot use for citation any public article or any document you have used from platform like Sci-Hub, because that paper will be automatically rejected or it will be not considered, because nobody would like to encourage these kind of initiative. So I am against a platform like Sci-Hub totally. It is not legitimate, because in the civil society, we should follow the procedures and we should follow the norms and regulation. So I like to have platform like ResearchGate, but I don't want to have. I think we should create legitimate open access models, and we should encourage our researcher to contribute more to research publications, like open access publications. And also our government should come out with policy like plan S, like initiative, are in the direction of having more and more literature under open access. So we should aim for logical and something which is legitimate. We should not try to indulge. And I think nobody appreciate Sci-Hub like platform. And I'm sure one day these platforms will be shut down once the country where these are operated, or they will understand the importance of
legitimate open access. And these initiatives are not good for open access movement also. रमेश सर एक पर्सनल इंसिडेंस शेयर करूंगा और उस पर आपका थॉट जानना चाहूंगा. सो आई वॉज इन अ लाइब्रेरी एंड इन फ्रंट ऑफ मी अ रिसर्चर केम एंड आस्क्ड फॉर अ बुक विच इज ऑफ यू नो क्वेश्चनेबल. आई मीन द मैटर ऑफ द बुक इज स्लाइटली क्वेश्चनेबल. इट वॉज बैंड इन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम सिंस यू आर ऑल्सो यू नो इन्वॉल्व इन IGNCA. सो यू कम अक्रॉस विथ ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर राइट. सो लाइब्रेरियन रिफ्यूज टू अरेंज और सोर्स दैट बुक. Now, where I stand is that librarians cannot have their own political opinion when it comes to, you know, sourcing content. Where do you stand? And is it important for the librarians to take a stand when it comes to, you know, building collections? Ya literature chahe kisi bhi political orientation ka ho, kisi bhi thought ka ho, it, for a librarian, it's a resource. And he should leave it to the readers to decide what they want to read. आपका क्या थॉट है इस पे? देखो मोहित, दो चीजें हैं. कोई भी रेफरेंस रिसर्च मटेरियल अगर किसी गवर्नमेंट डायरेक्टिव के थ्रू बैंड है तो नोबडी इज अलाउड एंड ऑथराइज्ड टू मेक इट एक्सेसिबल और कीप इट इन द रीडर्स डोमेन और लाइब्रेरी और एनीवेयर. यू हैव टू रिमूव इट. अगर इफ इट इज एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव. If something is because of ideology or some kind of thoughts or some section of society or some people are against it, we should not worry about that. Librarians should not worry about those kind of things because librarians should provide access to each and every material. Because we should not influenced by a particular section of the society or particular section of the people. So only government directives matters. For restricting access to any publication. बाकी तो कोई क्या कहता है उससे किसी भी librarian को कोई परवाह नहीं होनी चाहिए. अगर material अच्छा है, literature है, मतलब user को चाहिए और आपके subject domain में आता है तो आपको access देना चाहिए. लेकिन अगर government ने किसी चीज को ban किया है तो आप नहीं रख सकते. सर हाँ मतलब पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर राइट. आई मीन वी कैन कीप इट ब्लैक एंड व्हाइट बट आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बिकॉज these days everything is political. मतलब हम कहीं पर भी जाएं किसी भी फोरम पे जाएं उसमें प्रॉब्लम है कि अगर अगर गवर्नमेंट अगर बैन कर रही है तो हम रख नहीं सकते क्योंकि दैट इज अ पनिशेबल क्राइम. बाकी तो किसी भी केस में आई थिंक लाइब्रेरियंस को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. अगर उनके रीडर्स को चाहिए तो अरेंज करना चाहिए. आई डोंट थिंक दैट इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल या कोई पॉलिटिकल पार्टीज या कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई मटेरियल बैन नहीं है तो उसको लाइब्रेरी में रखने से या खरीदने से मना नहीं कर सकता. कोई पॉसिबिलिटी ना कहने की होनी नहीं चाहिए. सर बट एट द सेम टाइम जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं कभी भी मतलब एज अ लाइब्रेरियन कभी कभी उनका भी एक बिकॉज देर आर ओरिएंटेशंस तो वो कुछ चीजें फाइट करनी पड़ती हैं क्या? आई मीन सिंस यू हैव यू नो वास्ट एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ड्रॉ फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. कभी कभी ऐसा होता है? देखिए मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं बहुत न्यूट्रल रहा हूँ. I have worked in JNU when there was a different ideology and I was having very good connection and relation with the leftist or BJP yeah. or Congress or every because sure. I was very neutral. Librarian should be neutral, independent of any political ideology or any, because see even as a professional you should be neutral when you are serving. You can have your ideology when you are out of the office or out of the job. But in your job, you cannot have any ideology. You are an Indian as an Indian citizen, as a good professional, as a good human being. You are supposed to be, librarian supposed to be neutral to all your users. So you should not see the majority or minority. You should even if one person is asking for something and that is possible within the rules, you should provide access to. And should not worry about what other section is thinking about it. Or what other people are thinking about that. We should not worry about that. हम लोग और ऐसी situations आती हैं life में. ऐसा नहीं बहुत सारे लोग आपको influence करने की कोशिश करते हैं, आपको कहने की कोशिश करते हैं.
लेकिन आपको एक एज ए लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरी एक बहुत ही डोमिनेटिंग और बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं ना कहीं शायद हम लोगों ने उसको डीमेन किया हुआ है, हम लोगों ने एक लाइब्रेरियन की पावर को, अथॉरिटी को समझा नहीं है। हम लोग हमेशा एक शेडो में रहने की आदत पड़ गई है हमें, एक फैकल्टी इंचार्ज है या कोई कोई बॉस है या कुछ है। हमने अपनी इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी को समझा नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरियन इज द कस्टोडियन ऑफ एंटायर लाइब्रेरी सिस्टम और उसकी अथॉरिटी और उसकी अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग क्योंकि कई बार एक लाइब्रेरियन की पोजीशन खाली रहती है तो जूनियर स्टाफ इंचार्ज होता है वो थोड़ा सा, लेकिन जब आपके पास एक डेजिग्नेटेड पोजीशन है लाइब्रेरियन की तो यू शुड अंडरस्टैंड योर वैल्यू एंड यू शुड डू द जॉब विद कंप्लीट अथॉरिटी। एंड दैट अथॉरिटी इज नॉट डिक्टेटरशिप, दैट अथॉरिटी गिव यू सर्टेन काइंड ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस, एंड आई थिंक एज ए पर्सन यू शुड यूज दोज प्रिविलेजेस एंड राइट्स। सर एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट्स का, मैं पूछ लेता हूँ। वीवो 81 का, उन्होंने अपना नाम नहीं डाला है, बट ही इज आस्किंग कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस प्लेजरिज्म कैसे चेक कर सकते हैं विद गिवन द लैक ऑफ फंड्स दैट दीज लाइब्रेरीज हैव टू एंड्योर। देखिए अगर आप यूजीसी रेगुलेशन देखें 2018 का, इट इज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, इट मे बी प्राइवेट और पब्लिक, जो भी यूजीसी से एफिलेटेड है उनके लिए मैंडेटरी है कि आपको ये जो गाइडलाइंस है फॉलो करनी है कि 10% सिमिलरिटी शुड बी चेक्ड। तो ऑटोमेटिकली अगर वो 10% सिमिलरिटी चेक रिस्ट्रिक्ट करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं कर सकते, वो फीस गवर्नमेंट से ज्यादा लेते हैं। अगर उनको ये तो उनको समझना चाहिए कि उन्होंने कोई ये कोई फैक्ट्री शॉप तो है नहीं जिसमें प्रॉफिट और लॉस का पैरामीटर होना चाहिए। यहाँ तो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, और क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है जो रूल्स एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई है, वही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो एक स्टूडेंट है आपको कहीं उससे ज्यादा फीस दे रहा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में देता है। तो फैसिलिटी देना आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं शायद हमारी इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटीज हैं उनको एक इंश्योर करना चाहिए कि ये बात उसकी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को फंड एडिशनल मिलते हैं तो प्राइवेट में फीस ज्यादा होती है। देखिए अगर आप देखें तो वो वन एंड द सेम, ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा फर्क है। तो आप और आपने अगर कमिटमेंट किया है, आपने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाने का कमिटमेंट किया है, तो आपने तो ये सोच के किया है ना कि आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, आपने कोई बिजनेस के लिए तो खोला नहीं है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता इस बात का कि आपके पास गवर्नमेंट फंडेड नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। फिर आपको कॉल खोलना ही नहीं चाहिए, व्हाई यू आर ओपनिंग द इंस्टीट्यूशन इफ यू आर नॉट कैपेबल ऑफ रनिंग दैट एंड इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट फंडिंग टू डू इट। दैट्स ट्रू सर। हमारे पास अभी सर और क्वेश्चन नहीं है, तो नहीं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर बस दो मिनट आपके चाहूंगा। आपको लग रहा है सर ये कुछ ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है या इसकी जरूरत है और ये हो सकता है गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट वी हैव, गिवन द साइज ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन दैट वी हैव, अचीवेबल है ये आपको लगता है? पहली बात तो क्या आपने कोई प्रपोजल ऐसा देखा है अभी तक? तो नहीं आया, अभी तक तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही है, बस एक नोट आईडिया ही है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस कंट्री कि somebody something says and that becomes the buzzword। पहली बात तो अभी तक किसी ने कोई भी official level पे कोई communication नहीं है कि there is any such proposal which has been approved by the government or which has been placed before the government for approval। So I think whatever we are talking is just at the level of discussion only। So that's the first thing, that there is no such proposal available। Second thing, in the world there is no country which has implemented one nation one subscription proposal, nobody has implemented in the world। There are few some implementation of some project like this, but not where one nation one subscription model has been implemented in any country in the world, and for a country like India it is next to impossible to implement। Dekhiye hum logon ne national consortia banane ki baat ki thi, तो नेशनल कंसोर्सिया का मॉडल ही नहीं बन पाया। जब हम 20 कंसोर्सिया एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं उनको साथ लेके हम एक सिंगल नेशनल कंसोर्सिया नहीं बना पाए। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन तो बहुत बड़ी चीज है,
क्योंकि उसमें तो हम वी आर प्लानिंग टू गिव एक्सेस टू ईच एंड एवरी, तो इसमें एट द मोस्ट दे कैन हैव सम रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. आई डोंट थिंक एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग ए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मॉडल फॉर दिस कंट्री, बिकॉज द काइंड ऑफ मनी रिक्वायर्ड इट इज ह्यूज, एंड फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया इट इज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ. We can do one thing like talk to few individual publishers like big publishers ki bhai aapka kitna the model which I have come across is being explored is that suppose Elsevier is having x business, so let talk to x, you are getting this x business and we will give you x plus this amount and you make it accessible the entire resources to the all people in this country. So certain such initiative may be explored or may be done, but I'm doubtful for that also. But surely for entire country, one nation one subscription for all the resources, for all the contents, next to impossible. सर अच्छा लगता है जब आप इतनी बेबाकी से जवाब देते हैं, तो इसीलिए आपसे और क्वेश्चंस पूछने का मन भी करता है. डॉक्टर चौकसी, प्लीज अनम्यूट योर सिस्टम वंस. और बिफोर डॉक्टर चौकसी एक्सटेंड्स अ फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स टू गौर सर, हम 6 महीने 7 महीने मेहनत करते हैं एज अ स्टार्टअप टीम, और 6 महीने में एक बार आपसे मुलाकात होती है, आप एक लाइन में रिकग्नाइज कर देते हैं मुझे और मेरी टीम को, हम में मेहनत करने का जज्बा अगले 6 महीने के लिए भर जाता है. तो प्लीज ऐसे ही मिलते रहा करिए, और नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी. डॉक्टर चौकसी, द प्लेटफॉर्म इज योर्स. थैंक यू मोहित. आई नो यू हैव बीन डूइंग ग्रेट वर्क एंड आई लाइक दोज पीपल. सी आई ऑलवेज बिलीव इन डिलीवरिंग द गुड्स, लाइक जस्ट टॉकिंग इज नॉट इनफ. और चाहे छोटे इनिशिएटिव हो लेकिन उसका यूटिलिटी हो, कुछ लोगों को फायदा हो रहा हो, तो हम लोग हमेशा उन सब चीजों को मैं वो ये वही अप्रिशिएट करता हूँ. आप छोटा काम करें लेकिन लोगों के लिए फायदेमंद हो. आप बड़े बड़े विजन या बड़े बड़े प्लान लेके सिर्फ बातें करें, आई डोंट लाइक दैट. सो दैट्स व्हाई आई लव पीपल लाइक यू एंड आई होप एंड विश दैट यू फ्लरिश मोर एंड हैव अ गुड 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 मॉडल इन द कमिंग ईयर एंड सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. We will keep working hard, sir. Thank you so much, Dr. Choksi. Thanks, Gaur Sahab. धन्यवाद. आपके दोनों सेशन के बहुत बढ़िया फीडबैक आए हुए हैं, और वैसे ड्यू टू टाइम लिमिट आपको तो और सुनने का मन कर रहा था. हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ गौर साहब का कि जो ने हमारे प्लेटफॉर्म और हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया. हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने मिला आपसे गौर साहब. और गौर साहब से ये भी निवेदन करूँगा कि आपकी की जो एक्सपर्टाइज है वो हम आगे भी यूज़ करते रहेंगे. आई रियली थैंक्सफुल टू गौर साहब अगेन. अभी इसके साथ ही मैं पार्टिसिपेंट्स को ये कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि कल आपका जो क्वेश्चन अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो आपका 2:30 से 3:00 के बीच में है, और इसमें टोटल आपके जो है 50 क्वेश्चंस आने हैं, जिसमें एवरी क्वेश्चन हैविंग ए 2 मार्क्स. और जो आपने अभी तक जो सेशंस हैं इन सेशंस में ही आपको पूछा जाएगा. और जो आपने अभी तक YouTube में जो आपने अभी जो भी सेशंस आपके इसमें डले हुए हैं तो उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लें, और जो इसका सर्टिफिकेशन है वो AICTE के द्वारा किया जाएगा. इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं इसीलिए आपसे ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करें,
क्योंकि लास्ट ईयर हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स इसमें इसको स्कोर नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए मेरे को ये भी काफ़ी चिंता है कि आप लोगों को इन 5 डेज में इतना ज़्यादा ओवरलोडेड कर दिया गया है कि आप कितना क्या कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे हमारे इन लेक्चर्स के ऊपर और क्या रिप्लाई कर पाएंगे। लेकिन ये है कि मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ जो भी हमारे एक्सपर्टाइज हैं कि वो थोड़े से बड़े इजी और बड़े नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे ताकि आप लोग उसका इजीली रिप्लाई दे पाएं, जवाब दे पाएं। और आज शाम तक आपके ईमेल एड्रेस पे जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा एग्जामिनेशन का, और साथ ही साथ जो ऑनलाइन एग्जाम का लिंक है वो आपके ईमेल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा अपना AICT के माध्यम से। तो लेट अस होप, सभी को शुभकामनाएं परीक्षा के लिए, बधाइयां, और जो आपने 5 डेज जो भी आपने सीखा है उसको आप फ्रूटफुली एग्जाम में आप एग्जाम क्वालिफाई करें। और मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं, सारे क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस के होंगे, आपको सिर्फ ये टिक मार्क या अपना क्लिक करना है कि विच क्वेश्चंस इज राइट। बाकी ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड विशेस टू यू, हमारी शुभकामनाएं आप सभी को है। धन्यवाद, ओवर टू मोहित। थैंक यू सो मच सर। मुझे मेरे पार्टिसिपेंट्स पे पूरा 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 विश्वास है, जितने हमारे हर सेशन में लगभग 80 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है सर कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई भी करेंगे और एग्ज़ाम में 60% जो एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसको ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। पार्टिसिपेंट्स, मैं एक बार अपनी कुलीग भावना से रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन 23 एंड सेशन 24, ये लास्ट 2 सेशन का फीडबैक लिंक एक बार और डाल दे। ये हमारा आज का लास्ट अटेम्प्ट है आपकी अटेंडेंस मार्क करवाने का। प्लीज जिन्होंने नहीं भरा है सेशन 23 या 24 के लिए, वो इस फीडबैक लिंक को भर दें एंड वी विल रिज्यूम अगेन। कल हम फिर से वापस आएंगे एंड कल के जो सेशंस हैं उनको हम अटेंड करेंगे, और कल ही आपका एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा। जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी अपनी ईमेल पर चेक करिएगा, हम आपको कल का लिंक और एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफाइड पार्टिसिपेंट्स हैं ये इन्फॉर्मेशन हम आज ही आप तक पहुंचाएंगे। अभी मैं ये सेशन यहाँ पर एंड करता हूँ, और अगले 10 मिनट के लिए हम ये चैनल ओपन रखेंगे ताकि आप लिंक देख पाए और फीडबैक लिंक भर पाए। तो इसके बाद आप मेरी आवाज कल ही सुनेंगे, बट वी विल कीप दिस चैनल ओपन फॉर अनदर 10 to 15 minutes फॉर यू टू फिल द फीडबैक। गुड बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो फॉर रिमेनिंग सेशंस एंड ऑफ कोर्स द वैलिडिटरी सेशन टुमारो।